उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट स्टडी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने वस्तु को सिक्स पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे रख करके उसका इमेज फॉर्मेशन देखा था, कहाँ बन रहा था और कैसा बन रहा था। लेकिन इसमें हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में, अब उत्तल दर्पण में देखेंगे कि वस्तु किस पोजीशन पर रह रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में अपने पास ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये पोल हो गया। उत्तल दर्पण वो होता है जिसका बाहरी सरफेस जो है परावर्तक होता है। अवतल दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण में पीछे वाला भाग था दर्पण का, हमने पेंट किया हुआ था। और उत्तल दर्पण में क्या किए हैं, हमने अंदर वाला फेस को पेंट किया हुआ है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ उत्तल एंड अवतल। तो अपने पास एक पोजीशन है पी, पोल और अनंत, ये इन्फेनाइट। हमने इस पोजीशन पे एक वस्तु ये भी रखा हुआ है, ए और बी, ये भी वस्तु रखा हुआ है। तो इसका इमेज कैसा बनेगा वो हम रे डायग्राम द्वारा देखते हैं। एक रे आया अपने पी ए यानी पीसी के पैरेलल, एक रे आ रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से जो हो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, बिकॉज द रे इज इन बैक साइड। बैक साइड वी ड्रॉ द रे इन डॉट 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 डॉट। तो अपन यहाँ पे इस रे को डॉट से मिलाए और बाहर जो है परावर्तन सतह ये निकल गया, यहाँ से परावर्तन के बाद अपने दिशा में निकल गया। और एक जो है सी से हमने लाया, सी से लाया और ए इसी पे दर्पण से परावर्तन के बाद लौट गया। लेकिन हमको सी पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा और ये पॉइंट एफ से आता हुआ प्रतीत हो रहा, जबकि ये दर्पण से परावर्तन के बाद बैक साइड में अपने ही पुनः पाथ पे लौट गया और ये इस पाथ पे लौट गया। और लेकिन हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए ये रे जो है इधर जा रहा है तो ये इधर इमेज बनेगा नहीं, तो हमने इसको बैक साइड में लिया। तो हमको जब यहाँ से हम इस रे को देख रहे हैं तो लग रहा है एफ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये सी से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ पे दोनों ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। तो ए डैश और बी डैश अपना ये इमेज फॉर्म किया। तो इमेज फॉर्म किया तो इमेज कहाँ बना देखते हैं। तो स्थिति क्या है इमेज की, तो पी पी और एफ के बीच बन रहा, पोल तथा एफ के बीच इमेज बन रहा, प्रतिबिंब बन रहा और कैसा बन रहा, तो छोटा बन रहा, वस्तु से छोटा बन रहा। इमेज कैसा बन रहा जब पी और अनंत के बीच हो तो छोटा बनता है, और जब दर्पण के परावर्तक सतह के अपोजिट में बनता है तो उसको वो इमेज कैसा होता, आभासी होता, काल्पनिक होता। इमेज कैसा बन रहा है, आभासी, रियल नहीं बनता। रियल कब बनता, जब ये रे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तब रियल बनता। लेकिन हमने बैक साइड दर्पण के पीछे साइड में बन रहा है तो आभासी बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है, बैक साइड में इमेज बन रहा है। तो ये था अपना उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन जब वस्तु पोल तथा अनंत के बीच हो तब केस में।